दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि फरवरी 2018 में मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे और आरोपी दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित करे। मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें और आरोपी दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित करें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने 19 फरवरी 2018 को रात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ ही मारपीट मामले में कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल पर आरोप तय करने पर कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि केजरीवाल आरोपित दोनों विधायकों को तुरंत प्रभाव से अपनी पार्टी से निष्कासित करे। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के साथ मारपीट मामले में अगस्त 2018 में दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सहित 11 अन्य विधायकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मुख्य सचिव के साथ मारपीट के मामले में कोर्ट द्वारा केजरीवाल मनीष सिसोदिया सहित 9 अन्य विधायकों को बरी करने से साफ हो जाता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में कोई न कोई साठगांठ है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने मामले के तथ्यों को कोर्ट के समक्ष सही तरीके से नहीं रखा। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि बिना मुख्यमंत्री के इशारे के मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य सचिव के साथ विधायक मारपीट करे, इसलिए अपराध करने वाले से अधिक अपराध कराने वाला जिम्मेदार होता है। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने 2 विधायकों को आरोपित किया और घटना मुख्यमंत्री निवास पर अरविंद के सामने हुई, ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। क्लीन चिट किसके इशारे पे मिली? क्यों आखिर पुलिस ने इनको क्लीन चिट देने का काम किया? और हम एक बात बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे, जिसमें कहा जाता था हमारे बड़े हमें हमारे पूर्वज हमारे ये संत लोग ये संदेश देते थे कि अपराध करने वाले से बड़ा अपराध कराने वाला होता है, यानी कि वो अपराधी बड़ा है जिसके इशारे पे अपराध किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति नहीं है जिसके इशारे पे इन लोगों ने अपराध किया है, मारपीट की है? यदि अरविंद केजरीवाल के इशारे पे इन्होंने अपराध किया तो जितने दोषी ये हैं, कहीं उससे ज्यादा दोषी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और मैं ये मांग करता हूं, यदि सत्यमेव जयते का आप सहारा लेते हैं तो सत्यमेव जयते सच आना चाहिए, तब तक आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वैसे भी आपके पास कोई डिपार्टमेंट का कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आप बगैर पद के मुख्यमंत्री बनके बैठे, आप इस्तीफा दीजिए, जांच पूरी होने दीजिए और तब हम कहेंगे सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते था, है, और यही मैं कहना चाहता हूं। यदि उसमें से 2 लोगों को आरोपित तय किया गया है तो सत्यमेव जयते है, एक दिन सिद्ध होगा। लेकिन जिसके कहने पर और इशारे पर आपको बचाया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से केंद्र सरकार या भाजपा के एजेंट के तौर पर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि आपको बचाने का काम सरकारें कर रही हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो जितने बड़े ये 2 दोषी हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़े दोषी मुख्यमंत्री हैं, जिसके घर में अपराध हुआ है, जिसके सामने अपराध हुआ है, जिसके सामने बैठ के दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मारा गया है, और उसके केवल ना मारपिटाई बल्कि उसके सबूतों को भी हटाया गया, नष्ट किया गया। आप कई चीजों के दोषी हैं अरविंद केजरीवाल साहब, ये मैं कहना चाहता हूं। और आप चाहे इसके लिए मुझे आगे कोर्ट में जाना पड़े तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और आप इंक्वायरी की मांग करेंगे। हम इसमें तमाम मुद्दों को जिसको सरकार की सहायता से आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुद्दे दब सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते। न्याय मिलेगा अंशु प्रकाश जी को भी, टॉप ब्यूरोक्रेसी को भी। आज उनको हौसला तोड़ने की मैं समझता हूं ये साजिश की गई है, और इसीलिए न्याय मिलना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए जब तक ये जांच पूरी नहीं हो। नमस्कार, मैं आरके जयसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।